नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कमलेश इंसा जी हैं, जो बताएंगे कि इनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, कौन रहा कारण इनकी जिंदगी में बदलाव लाने का। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके क्या क्या परेशानी थी, किस तरीके से इनके पति नशा करते थे, सारी कहानी आपको अपनी जवानी बताएंगी। नमस्कार कमलेश जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। कमलेश जी, क्या क्या परेशानी थी पहले आपके घर? मेरे हस्बैंड कार मैकेनिक थे, वो रात को पी कर आते थे दारू, पता भी नहीं था उनको हम कैसे घर आ रहे हैं कैसे नहीं, मतलब नशा इतना करते थे भी पता भी नहीं लगता था उनको हम घर कैसे पहुंचे कैसे, सुबह पता लगता था मैं किस चीज़ पर आया हूँ। तो जब से वो एक पहली बार आए, उन्होंने नामदान लिया, मैंने बाद में लिया, उन्होंने लिया 92 में दिसंबर 92 में, उन इतने साल हो गए उन्होंने बिल्कुल टच भी नहीं किया, सिगरेट बीड़ी इतनी पीते थे भी मतलब बुझने भी नहीं देते थे, वो ऐसे ही लगा के रखते थे। फिर उन्होंने ना जैसे सेवा लिखती, मतलब सेवा लैन लगे, हुक्म होया भी जेड़ा कोई नशा पत्ता करता है भी उसनू सेवा नहीं मिलेगी। फिर जो ये सुनिया तो फिर उन्होंने वो भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल छड़ता, तो हूँ साढ़े भी घर से कोई नशा नहीं कोई पत्ता नहीं। दो मेरे बेटे हैं किस जी, वो भी वैष्णो है, उन्होंने भी नाम लिया हुआ है। मेरी बहुएं हैं दो, उन्होंने भी हैं, एक पोता है उसने भी लिया हुआ है, बाकी छोटे छोटे पोते। आपका घर नशा मुक्त किसकी वजह से हुआ? ये संत डॉक्टर राम रहीम इंसा जी, इन्हों की तरफ से। आप जब भी पैसा तो नहीं दिया गया? नहीं, नहीं, पक्ष में नहीं, नहीं, नहीं पैसा हमने कोई नहीं दिया, हम परमार्थ करते हैं जिसके सिर पर छत नहीं है, किसी गरीब का कोई खाने का उपाय नहीं है उसको खाना देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के गरीब के छत सिर पे नहीं है उसकी छत के पैसे दे देते हैं, कोई भूखा है उसको दे देते हैं, बस ऐसे ही। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया क्या एक्चुअली में, और लोगों की ज़िंदगी में भी या समाज के लिए और भी कोई योगदान है संत जी का? नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या काम किए हैं संत जी ने? बहुत इन्होंने एक इन्होंने करे हैं 342-343 मानवता भलाई के काम करे हैं, सफाई अभियान में इतना जाते थे, लोगों को इतने रोग टूटते हैं पूछो ही ना, बस रोग इतने इतने, खड्डे में बढ़ना आसान नहीं है, जो लैटरिन वाले खड्डे हैं ना उसमें बढ़ना आसान नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर भी अंदर बढ़ते थे जो लोग, हमने आँखों से देखा है दिल्ली में, हम सफाई अभियान बम्बे में भी गए हैं, बम्बे भी हम रहकर आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 3-4 साल होने वाले हैं अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव तो देखो संगत तो वैसे ही जुड़ी हुई है, ठीक है, जो गैर सत्संगी हैं वो जो मर्जी बोल जाए, हमें गुरु जी ने ऐसी शिक्षा दी है कोई कुछ बोली जाए हमें कोई असर नहीं होता। जरूरत है संत जी की समाज है, जरूरत हमें जरूरत है कि क्यों, ये जेड़े द्वारा नशा चल पे, ये नशा द्वारा पिताजी ने खत्म करना है, ये नशा बहुत द्वारा चल पिया, तो इस करके पिताजी सानू लोड़ है पिताजी की भी वो आन, जरूर आन, जल्दी तो जल्दी आन, आनगे वो, कोई यही जी दिक्कत नहीं है, जो पिक्चर तो सानू दिखाया गया है सो वही गल्लां हो रही ने, बिल्कुल सेम वही चीज़ जी। दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तो गलत लगाए गए हैं, देखो हम सानू किन्ने साल हो गए, 25 साल हो गए, असी तो कोई यही जो कोई घर का आन दंदा यही जी, उस कोई भिड़काई होवे या किसे पता लग गया होवे ना, बिल्कुल नहीं, देखो हमारे गुरु सच्चे हैं, सच्चे थे सच्चे ही रहेंगे, सच्चाई पर खड़े हैं वो, हमें भी इसलिए देखो हम घर पर नहीं इतने शेप होते जहाँ इधर आते। इस तरीके से क्यों बदनाम किया गया एक संत को, एक समाज सुधार? ये तो सरकार की कोई है चाल होएगी भाई, हमें तो इस बात का पता नहीं है, हम तो गुरु के लड़ लगे हुए हैं, हमें तो सच्ची शिक्षा देते हैं वो, अखबार लगाए हुए हैं, कोई ऐसी बात क्या नहीं। क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से हम तो यही अपील करेंगे भी जल्दी से जल्दी हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को छोड़े, हमें दर्शनों का मौका दें, वैसे तो वो यहीं घूम रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पर आ जाए तो सब तो अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अपील की जा रही है डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान समाज में आने चाहिए, उनके बिना समाज में नशा बढ़ता जा रहा है,
आप लोग सोचिए, जिस संत ने समाज से नशा दूर किया, इनके परिवार के से नशा दूर किया, इनकी ज़िंदगी बदल दी, आखिर ऐसे संतों को समाज से क्यों दूर किया जा रहा है? आप लोग ज़रूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।